हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या करना है हमें इस प्रश्न में, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर है हमारा यहीं पर है, ठीक है। और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया है, ए बी और 1221 बी ए, ठीक है, फिर ए सी 1334 और सी डी, फिर ए डी और क्वेश्चन मार्क सी डी, इसी को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, ए और बी, ठीक है, बी और ए को क्या किया है कि यहाँ पर 1221 आ गया है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, उन्हीं में से ए हमारा एक नंबर पड़ता है और बी हमारा दो नंबर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए हमारा एक नंबर पे लिख दिया है, बी हमारा दो नंबर पे लिख दिया है। और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी दिया हुआ है, बी हमारा दो नंबर पे लिखा है और ए हमारा एक नंबर पे लिखा है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया है, बहुत ही सिंपल से क्या किया है, ए के स्थान पर एक लिखा है, बी के स्थान पर दो लिखा है, और बी के स्थान पर दो लिखा है, ए के स्थान पर एक लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या किया है, ए और सी, देखिए दोस्तों, ए हमारा एक स्थान पड़ता है और सी हमारा तीसरे नंबर पड़ता है, तो यहाँ पर क्या कर दिया है, तीन लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या गया है, सी और डी दिया है, तो सी हमारा तीसरे नंबर पड़ता है और डी नंबर हमारा चौथे पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, 1334 कर दिया है, क्योंकि ए और सी क्या हो जाएगा, ए हमारा एक नंबर पर हो जाएगा और सी हमारा तीन नंबर पर हो जाएगा, और सी हमारा तीन नंबर पर हो जाएगा, डी हमारा चार नंबर पर हो जाएगा। तो कितना आ गया, 1334 आ गया। अब इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों, क्या दिया, ए डी, ए यानी कि एक नंबर पर और डी नंबर पर हमारा चार पड़ेगा, ठीक है, और सी हमारा तीन नंबर पड़ेगा और डी हमारा चार नंबर पड़ेगा, यानी कितना गया, 1434। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, ए हमारा एक नंबर पड़ता है, डी हमारा चार नंबर पड़ता है, सी हमारा तीन नंबर पड़ता है, डी नंबर हमारा चार नंबर पड़ता है, और ऑप्शन नंबर में कितना दिया है, 1434, और किसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 1434, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है, निम्न में प्रश्नांकित स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्नांकित स्थान हमारा यहीं पर है, ठीक है, इसी को मिसिंग नंबर कहते हैं, ठीक है, और इसी को हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई एक संख्या आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, 1 3 2 8 6 7 9 5 क्वेश्चन मार्क 72 90 56। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, जब भी संख्याएं बड़ी बड़ी संख्याएं नीचे की ओर दी हुई, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर हम इसे जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9 9 9 18, 72 नहीं आएगा, ठीक है, और इसे भी हम जोड़ लेंगे तो 90 नहीं आएगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए पहले 8 में, ठीक है, 1 में हम 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 ही होगा, ठीक है, और फिर 8 में हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 के 72। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 72, हमने क्या किया, पहले 8 में 1 से गुणा किया तो 1 8 हुआ, ठीक है, फिर 8 में हमने 9 से गुणा किया तो 72 हो गया। अब उसी प्रकार इसे करेंगे, देखिए 3 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 25 90, ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया 90, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया 90। हमने क्या किया, 3 में 6 से गुणा किया तो 18 आ गया, 18 में 5 से गुणा किया तो 90 आ गया। अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 2 में 7 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 14, और 14 में हम किससे गुणा करेंगे कि 56 आ जाएगा, 14 में हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, क्योंकि 14 चौको 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि 2 में 7 से गुणा किया तो 14 आ गया, और 14 में हमने 4 से गुणा किया तो 56 आ गया, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे तो क्या भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर हमारा यहीं पर दिया हुआ है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 9 2 3 5 7 8 1 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हमने पहले आपको बताया कि जब भी बड़ी संख्याएं दी हों नीचे तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें तो नीचे बड़ी संख्याएं दी ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इनको आपस में जोड़ लिया तो 15 आ गया। अब इससे जोड़ लेते हैं, देखिए 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, इसमें भी आ गया 15, यानी कि ये प्रोसेस काम कर रहा है। हमने क्या किया, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया तो 15 आ गया, और इन तीनों को आपस में जोड़ दिया तो 15 आ गया, यानी कि इसे भी हम जोड़ें कि 15 ही आए, ठीक है, तो वही ऑप्शन हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 में हम कितना जोड़ेंगे, 9 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान क्या भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा। वो कैसे, देखिए दोस्तों 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी पहले वाले में 15 आया है, दूसरे वाले में भी 15 आया है, और तीसरे वाले में भी 15 ही आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर हमारे यहीं पर दिया हुआ है और चार ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। और देखिए दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया है कि जब भी बड़ी संख्याएं नीचे दी हुई हों तो हम कैसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 होगा, 11 और 8 कितना होगा, 19, यहाँ पर क्या दिया है, 20 दिया है, यानी कि इसमें जोड़ने से नहीं आएगा। और इसे भी जोड़ लेते हैं, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 2 कितना होगा, 11, यहाँ पर क्या दिया है, 16, ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस नहीं काम कर रहा है, इसमें जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 4 और 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 कितना आ जाएगा, 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है, और 28 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 20 आ गया, हमने क्या किया, 4 में 7 से गुना किया तो 28 आ गया, 28 में से 8 माइनस कर दिया तो 20 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करेंगे, 3 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 आ गया, हमने क्या किया कि 3 में 6 से गुना किया तो 18 आ गया, 18 में से 2 माइनस कर दिया तो 16 आ गया। उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 5 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, 5 में हम 8 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 में से 12 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 28 प्राप्त हो गया, ठीक है, हमने क्या किया, 5 में 8 से गुना किया तो 40 हो गया, और 40 में से 12 घटा दिया तो 28 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 7 में 9 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 63 होगा, कितना होगा, 63 होगा, और 63 में से हम कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 50 आ जाएगा, कितना घटाएंगे दोस्तों, -13, कितना घटाएंगे, -13 घटाएंगे तो आ जाएगा 50, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 13, और किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 13, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 13, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, 7 में 9 से गुणा किया तो 63 आ गया, 63 में से 13 माइनस कर दिया तो 50 आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 13 भरा जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 13, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 8 17 25 42 67 और रिक्त स्थान, इसको हमें सॉल्व करना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों 8 और 17, ठीक है, 8 और 17 क्या करेंगे, अगर 8 और 17 को हम आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों 8 और 17 को हम आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 25 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17 और 25 को जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 17 और प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42, देखिए यहाँ पर 42 आ गया ठीक है। अब क्या करेंगे कि 25 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। 25 और प्लस 42 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 67 आ गया ठीक है। अब क्या करेंगे कि 42 और 67 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 42 और प्लस 67 करेंगे तो कितना आ जाएगा 109। कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा ठीक है। तो रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा 109 भरा जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।